हेलो ऑल, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। सो गाइस, हम लोग अभी न्यू ईयर्स के लिए राजस्थान ट्रिप पर निकले हैं और दिल्ली से हमने आज आफ्टरनून में स्टार्ट किया था। टुडे इज 30th ऑफ दिसंबर। गुड़गांव से बेसिकली वी स्टार्टेड एट अराउंड 3 o'clock और हम जयपुर पहुंच गए हैं। एक हॉल्ट लेंगे जयपुर में और सुबह हम लोग 4:30 के आसपास वील लीव फॉर जैसलमेर। तो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली एक कैंप बुक किया। लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज। सो डिनर के लिए जयपुर में हम लोग अभी यहाँ पे आए। एक जारपर रेस्टोरेंट है, दे आर सर्विंग ऑथेंटिक कश्मीरी, राइट। सो हम लोगों ने गुस्तावा, रिश्ता और रोगन जोश ये सब ऑर्डर किया है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत सुपर वीडियो होगी। कश्मीरी कुजीन यूजुअली बहुत आसानी से मिलता नहीं है और बहुत अच्छा मिलता नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर और ट्राई करते हैं सारी चीजें। लेट्स गो। रोटी विद बोटी और चिकन कांती हम लोगों ने ऑर्डर किया है। रोटी और रोटी हम लोगों ने अपनी प्लेट में ले लिया है। मैंने इसको ट्राई करते हैं। तो रोटी के ऊपर ही सारा मटन का जो गोश्त है वो रखा हुआ है। बहुत बढ़िया फ्लेवर है। मटन के जो रेशे हैं ये उस तरीके से बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छे से पकाया हुआ है। सुपर, बहुत ही अब ज़बरदस्त फ्लेवर है। चिकन कांती ट्राई करते हैं। इसमें बहुत सारा ना कैप्सिकम है चिकन कांती में और चिकन के ब्रेस्ट पीसेस यूज़ किए हुए हैं, बोनलेस। अच्छा है बट मेरे हिसाब से जो गोश्त है वो सुपर है। रोटी विद बोटी को उसके साथ अगर ये खा रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा, खाली ये खाते हैं तो मज़ा आता है। बाकी मेन कोर्स अभी ट्राई करते हैं। मटन रिश्ता ऑथेंटिक कश्मीरी प्लेन राइस और साथ में मटन रोगन जोश। ऑथेंटिक कश्मीरी कुजीन हमारी टेबल पे आ गए हैं। मैंने मटन रिश्ता ले लिया है, बेसिकली मीट बॉल्स है और काफ़ी मतलब बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर। हमारे यहाँ पे जो मैंने ओल्ड दिल्ली में भी वाजवा रेस्टोरेंट है वहाँ भी, वो भी मैंने ट्राई किया है तो बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग। और जयपुर में फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग कश्मीरी कुजीन, तो आई बिलीव द एक्सपीरियंस शुड बी वंडरफुल। तो ये मीट बॉल को पहले तोड़ते हैं। गोश्तावा के अंदर वो वाइट ग्रेवी में था, कर्ड की प्रिपरेशन है वो बेसिकली, और ये रेड ग्रेवी में है। इसको राइस के साथ ट्राई करेंगे, तो फिर मीट बॉल के साथ भी ट्राई करेंगे। मीट बॉल में इतने जूसी हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एक बहुत ऑथेंटिक अरोमा है खाने के अंदर, फ्रेश बिल्कुल। पतली पतली ग्रेवी प्लेन राइस के साथ खाइए और मज़ा आ जाएगा। रोगन जोश लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रेवी, देखिए कितनी स्मूथ है। देखिए एक चाप का भी लेके देखते हैं। प्लेन राइस के साथ ट्राई करेंगे इसको भी। तो रिश्ता के कंपैरिजन में ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग मसाले हैं पर जो मटन है वो अच्छे से गला हुआ है। ये देखिए आराम से टूट रहा है ये बिल्कुल। ये देखिए बोथ द डिशेज आर रिकमेंडेड। रिश्ता के अंदर थोड़ा सा स्पाइसीनेस कम है, रोगन जोश थोड़ा सा स्पाइसी है, बट अगेन कश्मीरी फूड, ऑथेंटिक अरोमा, सुपर यूज ऑफ स्पाइसेस, बैलेंस स्पाइसेस और मज़ा आ रहा है। जारपर रेस्टोरेंट एक नंबर। खाना हो गया बिल्कुल डन और हम कल सुबह 4 o'clock निकलेंगे जैसलमेर के लिए। काफ़ी कम टाइम है ऑलरेडी, लाइक 10:30 बज चुके हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन वी लीव फॉर जैसलमेर। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग ऑल। जैसलमेर के लिए निकल रहे हैं हम लोग और 4:30 बजे हम लोग जयपुर से स्टार्ट किए थे। तो अभी 2 घंटा हो गया ड्राइव करते वक्त, चाय के लिए रुके हैं। अभी यहाँ से 9:30 घंटे दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं, रूट का मजा लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी तो साथ साथ कवर करेंगे। चलिए गाइस, 390 किलोमीटर बचे हैं जैसलमेर। बिलारा पहुंच गए हम लोग, जोधपुर वाला हाईवे है ये। और अभी 4:30 हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो अभी हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके। हमारा दूसरा टी ब्रेक है, पहले 2 घंटे गाड़ी चलाई फिर उसके बाद 2 घंटे दोबारा चलाई। तो अभी इट्स लाइक अराउंड 9 o'clock, कुछ 390 किलोमीटर आगे और लगेंगे हमें पहुंचने में कम से कम अभी 6 आवर्स, 3:15 के आसपास का अराइवल दिखा रहा है। चलिए एंजॉय कर रहे हैं रूट को, मजा आ रहा है। राजस्थान की सड़कों पर ड्राइव करने का मजा ही अलग है। चलिए चलते हैं।
बम्बोर रुके हैं हम लोग, पोखरान वाले रूट पे ही है। 150 किलोमीटर पोखरान है और अराउंड 280 किलोमीटर यहाँ से जैसलमेर। अभी तक तो दो बार ही चाय पी चुके हैं, तो नाउ थोड़ा सा ब्रंच करके फिर निकलेंगे आगे। आलू पराठे, मिक्स पराठे, पनीर के पराठे, ये सब चीज़ें हमने ऑर्डर करी हैं। किलोमीटर रह गया जैसलमेर। ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, मज़ेदार। राजस्थान की सड़कें जैसलमेर ने और खुश कर दिया, मतलब मज़ा आ गया। लास्ट ईयर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, वहाँ तो मज़ा आ ही रहा था, जैसलमेर ने और खुश कर दिया, जैसलमेर के पूरे रूट ने। 12:30 बजे लंच के बाद सीधा 3 घंटे गाड़ी खींची है, सिर्फ 80 किलोमीटर रह गए, जिसमें भी 40 किलोमीटर है जैसलमेर। उसके बाद जो हमारा कैंप है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो सैम में है, वो अभी और 40 किलोमीटर उससे और आ गया है। तो बस अब 1 घंटा 15 मिनट का रूट रह गया है। होप आपको मजा आ रहा है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल द पैलेटेबल जर्नी। डेजर्ट कैंप पहुंच गए हम लोग 12 घंटे की ड्राइव के बाद, और बहुत ही वर्थ इट फीलिंग है। आपने देखा लेफ्ट साइड पे पूरा सैंड ड्यून है, सैम सैंड ड्यून में ही सिचुएटेड है ये। काफ़ी अच्छी फीलिंग है, ये देखिए कितने सारे टेंट्स हैं, सेपरेट टेंट्स। तो अगले 3 दिन हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे इसको, मिलते हैं थोड़ी देर। बैक 31st की इवनिंग है, सारे टेंट्स बुकड है, फुल राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम का एक अरेंजमेंट है। इधर पीछे से आवाज़ भी आ रही है, शुरू हो चुका है वो, तो वो एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा अभी नाइट व्यू में दिखाता होगा पूरे कैंप का, स्टार डेजर्ट कैंप, तो मज़ा आएगा आपको देख के। तो वेरी मेसमराइजिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच सैंड ड्यून्स, सैम सैंड ड्यून्स, जैसलमेर। थोड़ा सा मेन जैसलमेर से 40 किलोमीटर आगे है ये, तो थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा।